हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्किस बानो रेप केस में बरी हुए 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में न्याय मिलने की एक अलग ही खुशी दौड़ उठी। आपने एक खबर जरूर देखी होगी, जब बिल्किस बानो रेप केस के आरोपियों की गुजरात सरकार के द्वारा रिहाई की गई थी, तब उनका स्वागत फूल माला से किया गया था भाई साहब, मिठाई खिलाई गई थी। लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस निर्णय को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठा वो ये कि आखिर बिल्किस बानो रेप केस है क्या, कौन है बिल्किस बानो और 2002 के गोधरा कांड से बिल्किस बानो का क्या संबंध है। तो आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। ये सभी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई और मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इस केस में अब तक 8 जनवरी को फैसला आया है, अब जाकर यह फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया है, जिसे न्याय की बड़ी जीत बताया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बिल्किस बानो है कौन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। घटना के चलते गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार तक पहुंच गई। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हसिया, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला कर दिया था। इनमें दोषी करार दिए गए 11 लोग भी शामिल थे। दंगाइयों ने बिल्किस और उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, रेप किया, उन सभी को बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई, 6 लापता हो गए, केवल 3 लोगों की ही जान बच सकी। इनमें बिल्किस, उनके परिवार का एक पुरुष और एक 3 साल का बच्चा शामिल था। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेसुध रही। घटना के बाद बिल्किस लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल सोमा भाई गौरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर लिखा। यहां तक कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में तब ले जाया गया जब गोधरा के राहत कैंप में बिल्किस पहुंची थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला सीबीआई को जांच के लिए हस्तांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम तक भी ठीक से नहीं किया गया था। सीबीआई जांचकर्ताओं ने हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और पाया कि शवों में किसी में भी खोपड़ी नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काट दिए गए थे ताकि शवों की शिनाख्त ना हो सके। मामले का ट्रायल शुरू हुआ तो बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इसके बाद ट्रायल को गुजरात के बाहर महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई की कोर्ट में 6 पुलिस अधिकारियों और एक डॉक्टर समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर हुए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। वहीं बिल्किस की रिपोर्ट लिखने वाले हेड कांस्टेबल को कोर्ट ने आरोपियों को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लिखने का दोषी पाया गया, जबकि 7 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत भी हो गई। बता दें कि जिन 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, उनमें जसवंत भाई नाई,
गोविंद भाई नाई, नरेश कुमार बोर्दिया, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप वोहानिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, नीतीश भट्ट, रमेश चंदना और हेड कांस्टेबल सूमा भाई गौरी शामिल थे। जसवंत, गोविंद और नरेश ने बिल्किस से दुष्कर्म किया था। वहीं शैलेश ने बिल्किस की बेटी सुलेहा को जमीन पर पटक कर मार डाला था। बता दें कि मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा। वहीं पुलिस वालों और डॉक्टर समेत बाकी 7 लोगों को बरी कर दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो बिल्किस को 2 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दे। इसके बाद 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गुजरात सरकार को याचिका पर फैसला लेने को कहा था। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने माफी की याचिका मंजूर कर ली। इसके बाद इन लोगों की रिहाई हो गई थी, जिसके बाद इन सभी आरोपियों का फूल माला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया, जिसकी फोटोज आपने इंटरनेट पर काफी देखी होगी, वायरल भी हुई थी। ये फैसला बिल्किस बानो को कतई रास नहीं आया और उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर दी। बिल्किस ने सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार के इस आदेश को किसी भी अन्य सरकारी आदेश की तरह ही चुनौती दी जा सकती है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की सजा पर मिली छूट को हाल ही में रद्द कर दिया है। तो ये थी बिल्किस बानो की पूरी कहानी। आपका बिल्किस बानो और उनके आरोपियों के बारे में क्या कहना है, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।